देखिए आज काफी भारी बारिश हुई सुबह सुबह के टाइम में, इसकी वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ। जो 8 बजे से स्टार्ट होना चाहिए था वो कभी करीब 9:15-9:30 के आसपास स्टार्ट कर पाए हम लोग। तो अभी 2 पंचायतों का रिजल्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुका है, एक का तो पब्लिक डोमेन में भी आ ही चुका है, एक पंचायत के मुखिया का, और काउंटिंग बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तीसरे पंचायत का भी ईवीएम खुलना स्टार्ट हुई है। सही सर, कई प्रत्याशी हमसे पूछ रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सर्टिफिकेट देखिए, इसमें नियम है, रिटर्निंग ऑफिसर ही देते हैं, जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर हैं मुखिया पद के लिए, तो वही रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते सर्टिफिकेट देंगे और अपने समक्ष ही काउंटिंग हॉल में ही देंगे इस चीज़ को। तो कोई बाहर निकल के नहीं उनको लेना है, वहाँ पे खाली प्रत्याशी रह जाएंगे। प्रक्रिया सर कब तक पूरी हो? ये तो तुरंत हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें चूंकि एक आर ओ है अपने स्तर से, कई ARO को डिप्यूट किया हुआ है, अलग अलग काउंटिंग हॉल है, थोड़ा कार की व्यवस्था के चलते 10-15 मिनट 20 मिनट डिले भी हो सकता है, लेकिन सर, देंगे। आपने बताया कि 2-3 का काम खत्म हो गया, लेकिन हमें मीडिया को सिर्फ एक का रिजल्ट अभी तक मिला है, थोड़ा विलम्ब हो रहा है। नहीं, इसमें देखिए, पहले ईवीएम खुलती है तो उसमें मैनुअल या जो OCR मशीन के माध्यम से जो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, तो काउंटिंग जो होती है उसको ऑनलाइन उसको अपलोड करना पड़ता है। कभी कभी सर्वर इश्यूज होते हैं, कभी कभी उसको अपलोड करने में थोड़ा समस्या होती है, थोड़ा समय लगता है। आज अभी हमारे पास या रिटर्निंग अफसर के पास जब रिजल्ट आता है तो उसके 15-20 मिनट बाद ही हम लोग अपडेट कर पाते हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया ना 9:30-10 के बीच में स्टार्ट हुआ, तो अभी 2 घंटे में उसमें थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी सुचारू रूप से चल रही हैं, जल्दी ही आपको मिल जाएगा। टोटल कब तक चलेगा? शाम को 6 से 7 के बीच में सभी EVM के जो 4 पद हैं हमारे, उन सभी का रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे, और बैलेट का थोड़ा और विलंब हो सकता है, लेकिन आज ही हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग कम्प्लीट करा लें।